दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब विराट के सामने आए रोहित, तब दोनों के बीच हुआ ऐसा घमासान कि देखकर हैरान रह गया पूरा क्रिकेट जगत। विराट मैक्सवेल के छक्कों का गूंज से दहल उठा क्रिकेट का मैदान, तो ईशान सूर्य के साथ मिलकर रोहित ने भी अपने बल्ले से पलट दिया आईपीएल का इतिहास। तो आखिर कैसे बेंगलुरु और मुंबई के बीच हुए ऐतिहासिक मुकाबले ने पार की रोमांच की सारी हदें? कप्तान रोहित ने धोनी की किस तरह तरीके से किया चमत्कार? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे चालाक कप्तान कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस पल का सभी को इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है। क्रिकेट का महोत्सव आईपीएल लोगों के दिलों में घर करने आ चुका है। सभी 10 फ्रेंचाइजी के बीच भूखे शेरों की तरह आईपीएल ट्रॉफी की जंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसकी ओपनिंग मैच 31 मार्च को गुजरात और चेन्नई के बीच अहमदाबाद के मैदान पर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल आपको बता दें, आईपीएल से ठीक पहले सभी टीमें अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से उसे अलग अलग तरीके अपना रही हैं। इसी बीच बेंगलुरु और मुंबई के मैनेजमेंट ने इन दोनों टीमों के बीच एक प्रैक्टिस मुकाबला कराने का सोच लिया, और इसका ऐलान होते ही दोनों टीमें सज गए। मुंबई पलटन से लोहा लेने को तैयार थे आरसीबी के शेर। जब सिक्का उछला तो कैफ ने टॉस जीतकर आईपीएल की बादशाह मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। मुंबई के लिए भारतीय टीम के बैकबोन कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी। यह दोनों अपनी टीम को सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे। कप्तान रोहित ने हर्षल पटेल को पॉइंट के ऊपर से छक्का जोड़कर अपने रनों का खाता खोला। दूसरी ओर से ईशान किशन ने भी अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू कर दिया। दोनों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पावर प्ले में अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों सर पर कफन बांध कर आए थे। बेंगलुरु के फैंस की तो बोलती बंद हो गए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद मुंबई को 440 वोल्ट का झटका लगा। विराट ने ग्लेन मैक्सवेल को गेंदबाजी सौंपी और उन्होंने आते ही मात्र 20 गेंदों पर 3 छक्कों के बदौलत 33 रन बनाकर खेल रहे ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी कराई। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्य कुमार यादव। विराट मुंबई पर पूरी तरह से शिकंजा कसना चाहते थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। एक छोर से जहां रोहित पारी को बिल्ड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से सूर्य ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने अपना सारा गुस्सा बेंगलुरु के गेंदबाजों पर उतारते हुए केवल 28 गेंदों पर 5 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, मैक्सवेल सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई, और रोहित ने भी हिटमैन वाला औकार दिखाते हुए 36 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया। यह दोनों आरसीबी के लिए काल का दूसरा नंबर बनकर गए, और विराट के गेंदबाजों के धज्जे उड़ाते उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवरों में 196 रनों तक पहुंचा दिया। जहां कप्तान रोहित शर्मा 84 रन की पारी खेलकर आउट हुए, तो वहीं सूर्य ने भी 68 रन बनाकर कप्तान का बखूबी साथ निभाया। जी हां दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से पहले ही रोमांच की सभी हदें पार हो गई थी। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए डुप्लेसी के साथ विराट कोहली की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन मुंबई कुछ ऐसा चमत्कार करेगी यह किसी ने नहीं सोचा था। इंग्लैंड की सनसनी जोफ्रा आर्चर ने आते ही अपने पहले ओवर में 2 गेंदों पर बेंगलुरु के 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, तो वहीं विराट कोहली के भी पसीने छूट गए थे। जी हां, रनों का खाता खोलने से पहले ही विकेटों की बौछार ने बेंगलुरु की कमर तोड़ दी, लेकिन वह भी किसी से कम नहीं है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी शुरू कर दी, और किंग कोहली के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर बेंगलुरु की पटरी को वापस लाया। अचानक से मुकाबला पलटने लगा था। मैक्सवेल ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ही पूरा कर मुंबई पलटन की हालत खराब कर दी। मुंबई वापसी करना चाहती थी, और इस बार इसका जिम्मा कप्तान रोहित शर्मा ने कैमरन ग्रीन पर सौंपा। गेंदबाजी करने आए ग्रीन ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए ग्लेन मैक्सवेल को अपने जाल में फंसा लिया, और 52 रनों के स्कोर पर वह भी चलते बने, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। बेंगलुरु को जीत के लिए अभी भी केवल 8 ओवर में 90 रन चाहिए थे। मुंबई की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को मिला। विराट कोहली ने अपने आक्रामक अंदाज में मुंबई के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 1 ओवर में 22 रन ठोककर मुकाबले को बेंगलुरु की तरफ झुका दिया। रोहित की तो आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 15 रन चाहिए थे, और किंग कोहली को अपना शतक पूरा करने के लिए भी 16 रनों की दरकार थी। अंतिम ओवर लेकर आए वेरडॉर्फ की पहली 2 गेंदों पर लगातार उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर बेंगलुरु की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी भुला नहीं पाएंगे। ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली 94 रनों पर अपना विकेट गवा बैठे, और जीत के मुकाम पर खड़ी बेंगलुरु यह मुकाबला जीत नहीं पाए, जिसके बाद तो उनके फैंस को करारा सदमा लगा। रोहित ने अंतिम ओवर में पूरा मुकाबला पलट दिया था। जी हां दोस्तों, यह केवल एक प्रैक्टिस मुकाबला था, लेकिन जब इस मुकाबले में इस कदर रोमांच था, तो सोचिए आईपीएल में किस कदर रोमांच अपनी हदों को पार करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई और बेंगलुरु में कौन सी टीम बन सकती है आईपीएल 2023 की चैंपियन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।